मुझे गठबंधन सरकार चलाने का भारी अनुभव, 2.5 दशक से एक छत्र राज करने वाले नरेंद्र मोदी का दावा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोदी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें गठबंधन सरकार चलाने का भी अनुभव है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। चुनाव के समय तक 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की सीटें 240 पर आकर थम गई हैं। इसके बावजूद एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करने में सफल हो गया, जबकि इंडिया अलायंस ने 2019 के मुकाबले इस बार सीटों की संख्या में इजाफा किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोदी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें गठबंधन सरकार चलाने का भी अनुभव है। क्या बोले थे पीएम मोदी? दरअसल साल 2019 में नरेंद्र मोदी ने न्यूज 24 को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि मुझे गठबंधन सरकार चलाने का भी भारी अनुभव है। जब मैं संगठन में था तब भी हरियाणा में बंसी लाल और चौटाला की सरकार में काम किया, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती साहब के साथ भी काम किया, गुजरात में चिमन भाई पटेल के साथ काम किया। क्षेत्रीय दलों को लेकर कही ये बात। पीएम मोदी आगे कहते हैं, जब मैं केंद्र आया तो यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन हमने अहंकार को पाला नहीं है। हमारा ये मत है कि हिंदुस्तान की राजनीति ध्रुवीकरण वाली राजनीति है। एक खेमे का बीजेपी नेतृत्व करती है तो दूसरी नेतृत्व कांग्रेस करती है। हमें सभी साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए। साथ लेकर चलने से क्षेत्रीय और देश की एकता को मजबूत कर सकते हैं। हमारे लिए गठबंधन चुनावी चहल पहल नहीं है, हमारे लिए क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़ना देश की एकता को जोड़ने के बराबर है। 3 बार CM और 2 बार PM बने मोदी। बता दें कि नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा वह 2014 और 2019 में देश के प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। दोनों बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। हालांकि इस बार 2024 के नतीजे चौंकाने वाले रहे, बीजेपी 240 सीटें ही हासिल कर पाई। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार 3री बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने
दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है, भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है।